और ये देखिए हमारे साथ हैप्पी भाई के साथ हैप्पी भाई के भाई, और अब हम ब्लॉगिंग चालू करेंगे बकचोदी करते हुए। शेर जीतता ही क्या है। तो दोस्तों इंट्रो में आगे शूट करूंगा, अभी चलते हैं। क्या बोला जिंदा आलू महंगे थे यार, बहन चोद वो तो छोड़ दू जिंदा मुर्गा। हाँ मैं तो नहीं भाई, मैं तो नहीं खाता। क्या निकाला था एक्स्ट्रा दिखा यार इसको अलग ही वो हो रही है, क्या हो गया? नहीं देते बोल तो सब कुछ झूठ रहा है, पर क्या कर सकते हैं। सही बोल रहा भाई, ये छोड़ने नहीं दे रहा मेरे को। मैंने तो कहा था पनीर खाएंगे। अभी भाई का फोन में कैमरा कितना बड़ा नहीं, मेरे उससे अच्छा रहा। कितना रुझा रुझा इसको भी दिखा दो भाई, बोला गया फिर मेरे को नहीं लिया ब्लॉग में। बाकी दो घंटे में हर चीज महंगी मिलती है भाई। चिप्स 20 रुपए का 20 का ही मिलेगा। कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं व्लॉग में, कॉमेडी कर रहे हैं। देखो कैसा पकड़ा हुआ फोन, शर्म नाम की चीज नहीं है इसका। मैं तो अपने आप को कम दिखाता हूँ। पैसा भाई गाड़ी सेल कर रहे अपनी, देख रहा सनस्क्रीन लगाने का। ए भाई साइन कर रहा भाई, हट जा हट जा, चमक मार रहा है, रुक जा फोकस नहीं हो रहा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं चुन्ना धारा में, पानी के गिरण भरेंगे यहाँ पे से। वो आ गया हैप्पी भाई, हैप्पी भाई भाई सब्सक्राइब 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 टू हैप्पी रावत व्लॉग्स। अबे यार ये तो अपने प्रमोशन कर रहा। चलो भाई गिरण गोलन निकालो, यहीं से भर रहा है। हाँ हाँ तो कहाँ से भरेगा तू बोल रहा हूँ, हैंडपम्प यहाँ से फिट हो जाएगा। हैंडपम्प तो गाँव में ना, इमरजेंसी के लिए होगा। चल भाई गैलन निकाल था भाई। देख तेरी भाभी आ रही है। ए आए देख रहा देख रहा ये सम्मान डाली भाई, क्या हो गया तो कौन देख रहा मेरे ब्लॉग में? वैसे भी 0 व्यूज आएंगे अभी स्टार्टिंग ही हो रही है। क्यों ये भी साथ में है उसके, अब सब कुछ तो साथ में। मैं तो ये ले रहा है इसलिए, और क्या ले रहा है भाई आपके लिए? मिल रहे सिगरेट एडिट में नहीं करना बोले। देख रहा एक लोगर आपस में टक्कर मारते। चल बेचा चल चले यार, ऐसा पकड़ते थे थोड़ा, दूसरे से पकड़ते कैमरा, पता नहीं चलेगा ना ऐसे कुछ। अल्ट्रा वाइड डाल दिया। अब मैं बोल रहा था XR में वो है कि अल्ट्रा वाइड में 60 FPS। सत्य माई का नया जुगाड़ गाइस, हमने बर्फ दी थी जो कि पिघलने लग गई थी, तो इसलिए हम हाँ बर्फ देखे क्या ठंड लग रही। फुटबॉल ही तेरे गिरी ना आप। इधर मीम के तो डालो डालो, ये नहीं वो बर्थडे वाले केक में पास कर रहे हैं। इस इसको मुझे पहले पिटेगा मेरा हाथ से ढंग से उठा, उसको उठा दोबारा डाल इसमें। डाल दिया भाई, दिमाग तो बहुत है। हाँ डाल दो देंगे वहां जाके, नहीं दोगे तो उस खाने का पानी बना देंगे। डाल तेरी माँ की चली गया, बहुत स्ट्रगल है देखो, इतना तो पढ़ाई भी नहीं करी इन्होंने। हम पहुंच गए देखो, खुजली कर रहा है यार। लोकेशन पे तो आगे, पर वहाँ पे आग लगी हुई है, बहुत गंदी वाली आग, वहाँ भी आग लगी हुई, इधर भी आग लगी हुई। मैं जूम नहीं करता भाई, बिना जूम करे आग दे नाल दे हम दे, वहाँ पे लगी आग। और यहाँ पे हमने टेंट लगाने की सोच रहे थे, पर टेंट कैसे लगाया जाए यहाँ पे, तो आग लग जाएगी। सीन थोड़ा सा दिक्कत देगा हमें, क्या करा जाए क्या करा जाए क्या करा जाए। सो गाइस बहुत तेज आग लगी, सत्य भाई कुछ कर रहा था आग की तरह परिवार जल जाएंगे। क्या करा जाए यार दोस्तों, चल कौन सा पिएगा, कौन सा वाला पिएगा, कौन सा पैक पिएगा भाई। फुल सिनेमैटिक आ रहा भाई तेरा। तो यार अभी टेंट टूट लगाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। मैं तो बोल रहा हूँ कहीं और चलते हैं, इस लोकेशन पे छोड़ते हैं, छोड़ते हैं या कहीं और भी जा रहे हैं। तो भाई बहुत तेज आग लग रही है, देख हवा देख, आग दे नाल दे पानी पिएंगे पैर। आइए देखते हैं मजा आएगा, आए अपने कहा देखते हैं पैर तो मजा आएगा। जूम मार के इसको निकाल दिया अपने,
तो यार सीन कुछ ऐसा है, अभी हम लगा रहे हैं टेंट यहाँ पे और यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है और नीचे आग भी लगी हुई है, तो रात के टाइम खतरा भी हो सकता है। सत्यम भाई कील घोसे सारे मतलब इधर लगी हुई है नीचे जगह जगह पे आग, इधर भी है एक, तो क्या एक इधर लगी हुई आग तो बुझ गई है। और अभी हमने यहाँ पे टेंट लगाने से पहले थोड़ा बहुत ये घास फूस हटा देते, लेकिन फिर से घास फूस फिर आ गए भाई। ठीक कर देना इसने, कोई बात नहीं। तो फिलहाल सीन भी जैसा है, अभी हम लगाते हैं टेंट वगैरह और मिलते हैं आपसे बाद में। फिलहाल के लिए बाय बाय। तो दोस्तों हमारा टेंट लग चुका है, देख रहा कैसा वगैरह, तो टेंट लग चुका है और सब्सक्राइब करें हैप्पी राउत व्लॉग्स को, ये देख रहा टेंट लग चुका है, सब्सक्राइब करें सत्यम रावत व्लॉग्स को। कुछ भी तो भाई लोगों टेंट लग चुका है, ऊपर से गिर रहा है ये, अबे यार मेरी उंगली दर्द घास उबाल रहे अंडे, देखो सामने पे अंडे उबल रहे और हैप्पी भाई फुल फ्लैट हो रहे हैं, छोटा है फोन है बाकी अपने मर्च मसाले के डब्बे हम यहाँ पे लेके आ रखे, देखो ये फुल इसके अंदर हमने अंडे डाल दिए, सब्सक्राइब करें बॉइल करने के लिए। और मौसम हो रहा है यहाँ पे सनसेट वाला, ठीक है तो अभी सनसेट देखेंगे, सनसेट होगा सनसेट में लगाएंगे टाइम लैप्स, तू ही बोल ले तू ही बोल ले तू ही बोल ले। तो फिलहाल पकाते उबालते अंडे को और फिर मिलते हैं आपसे आगे। अरे गोमा बेटा हमारा अंडा पकाना सिस्टर चिंता ही क्या था, देख लो गोल्डी ब्रा चलो मिलते तुमसे। उबटी मेरे को पता लग जा रहा है नॉइस कितनी आ रही है अल्ट्रावाइड में। तो यार अभी हम ना पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं, पहले पूरी बोतल एक में भर देंगे, फिर इधर अपना ये प्याज है और इधर खीरा वीरा क्लिप ले लेनी, और उसके बाद अभी हम जाते हैं पानी लेने के लिए। ये और मैं जाएंगे पहले, ये और ये गया था और उसके बाद बहुत सर दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा की मैं नजारा, और टॉर्च का टॉर्च दिखा वाली सुधांशु बोलेगा मेरा टॉर्च लेके ब्लॉग बनाने चले गए। ढक्कन लगा ढक्कन लगा दे, चल फिर इसको ले चलते हैं पानी पूनी बनने के लिए। और हैप्पी भाई जय श्री राम, सर अभी हम आ रहे हैं पानी बनने के लिए, देखिए बिल्कुल ठंडा पानी और हैप्पी भाई का भी ब्लॉग चल रहा है इसके घर से, इधर से अपना चल रहा है भर भर भर। बाबे सैम बक्सर बना रहा चावन सावा सत्यम भाई ने कर दिए पीस छोटे छोटे और इधर अपना सेट करके सामान सामान तैयार हो चुका है, देखिए चकना भी रेडी है। चकना क्या होता है, एक लाइट मैंने बाहर लगा रखी है, अभी हम जंगलों में आग नहीं लगा रहे, चुप है अभी हम जंगल में आग नहीं लगा रहे क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज और ये आग जगह जगह आग पहले से लगी हुई है और ये सूखा हुआ पराल पड़ा हुआ है जिससे आग फैल सकती है, इसलिए हम आग नहीं लगा रहे हैं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए बाकी अपना पूरा इधर बंदोबस्त है। और जो पीछे लगाई हुई तूने आग कहाँ, अपने दिल में अल्ट्रावाइट मत करियो, मैं आ रही हूँ बन चुका है हमारा चिकन तैयार हो रहा है एकदम ग्रेवी उसकी बहुत बढ़िया तरीके से, और हमारे शेफ के साथ हैं आपको कौन अकेले बैक इन अगेन विद न्यू वीडियो बेबी।
दानिश जैन को सलूट करते हुए, दानिश जैन भाई वी मिस यू। देख रहे हो कितने स्मार्ट है दानिश को, पहन के तभी बनाया तूने भाई, बहुत सही लौंडा था वो, बता भी तूने वो पीछे अपनी पंखड़ी बना रखी मस्त करके एकदम। वो तो मैंने जस्टिन बीबर का उसका बनाया, जस्टिन बीबर का पहनता हूं, मुझे अच्छा लगता था रिंग गाड़ी एकदम करके। ये दिखा ना अंदर सिस्टम, दिखा सिस्टम को, यहां से रात हो चुकी बहुत तगड़ी वाली, और अभी हमने अंदर लगा दिए लाइट वाइट, अपने पास सारा सिस्टम है लगा रखी एकदम। कुछ टाइम बाद पूरा सेटअप ले लूंगा बढ़िया वाला, तब तो भाई कैंपिंग की कैंपिंग, बरसात के मौसम में आता भाई इतना हरा भरा होता है, नदियों के सामने जहां पे नदी रहती है मस्त, हर जगह पानी के छुए फूटते रहते हैं, और बढ़िया करके ना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और ये देखोगे तो यार भाई लोग अपना चिकन बन चुका है यहाँ पे, धनिया मार के बढ़िया, और लौंडो ने टेस्ट भी कर लिया, कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया हो रहा है भाई, बढ़िया हो रहा है मस्त एकदम। बाकी हम टेंट के नीचे का हिस्सा दिखा नहीं सकता क्योंकि अपनी चल रही है पार्टी वार्टी फुल, बाकी छोटे बच्चों का कोई है नहीं यहाँ पे, और चिकन भी रेडी ऑलमोस्ट, हल्का सा और पकने की कमी है। बाहर लगा रखी मैंने एक एक्स्ट्रा लाइट जो कि मेरी कैमरे के टाइम पे शूट के टाइम लगाता हूँ, उसकी बैटरी काफ़ी चलती है, और बिल्कुल अंधेरा पट हो रखा है। आग इसलिए नहीं जलाई हमने क्योंकि जंगल में ऑलरेडी बहुत आग लग चुकी है, क्यों लौंडो? अगर आग लगाता तो हम पकड़े जाते, उसके दिल में लगा देंगे आग। आ, दिल में तो आग लगी हुई, छोड़ पर हम भी ज्यादा आग लगा देते वो तो छोड़, आग वाग इसलिए लगाई क्योंकि फिर जंगल में वो क्या बोलते हैं परियुल पुरियुल जो है वो गिर तो रखा होता है, उसमें आग पकड़ लेता, बाकी अपना पूरा सेटअप रेडी है, फिर खाते हैं, फिर थोड़ा सोते टाइम बकचोदी करेंगे। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोगों ने बस जस्ट बाहर आए, थोड़ी सी टॉर्च चमकाई उस इलाके में, भाई इतना बड़ा गुलदार भाई साहब जो फट के हाथ में आए ना बंदों की, हमने ना सेवा तुरंत आग जलाई, जबकि हम आग जलाने के लिए मना कर रहे थे, उसको बुझा रहे हैं क्योंकि हमको वो नहीं चाहिए कि हाँ यार कोई वक्त फैल जाए ना फालतू में, ऑलरेडी काफी ज्यादा पहाड़ों में देखो आग लगी हुई है, बट भाई जो फटी है ना बंदों की, भाई जो फटी है ना लिटरली भाई, वहां पे था जहाँ पे मेरी टॉर्च है, ऐसे गया 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 और ऊपर के लिए चले गया भाई, पता नहीं वहां पे बैठा है नहीं बैठा है हम जान। देखा गुल्लार यहाँ पे तगड़ा सीन भाई, तगड़ा सीन। अभी शाम तक यहाँ पे आग लगी थी, अगर आग लगी होती तो शायद वो नहीं आता था नजदीक, लेकिन वो आया है तो तगड़ा सीन है भाई, खतरनाक सीन है भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक पीस हमें लेग पीस उसको भी दे दिया भाई, बोल रहा था कि कलेजी भी दो, हमने बोला ना वो सीढ़ी कलेजी नहीं देंगे वो सीढ़ी। मेरे पे ये छोटी सी कैंपिंग टॉर्च है, काफी सही है, देखते हैं आग लग रही है ना, तब सही है, देखो झूम भी होता है, देखो अरे मेरी बात हो गई ना उससे, कॉम्प्रोमाइज हो गया हमारा, रजत दलाल शेर इसको पकड़ो इसको पकड़ो, अरे कुछ नहीं यार चलो भाई चलो चलो अंदर ही बैठते हैं यार, बाहर थोड़ा सा अनसेफ है, अरे बाहर नहीं ऐसे अभी ऐसे ही बैठ रहे हैं यार, अंदर ही बैठते हैं, छोड़ो खा पी के सो जाएंगे। सीन की तरह कि अभी हम थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे बैठने के लिए, तो बाहर हमें दिख गया गुलदार, इनसे पूछो भाई, मैंने देखा भाई, इसने चमकाई टॉर्च बड़ी वाली, सुन तो ले पहली बार दिखा, ठीक वहां पे बैठा हुआ था भाई साहब, जो हाथ में हैप्पी तो अंदर था, इसकी इसने फिर भी नहीं देखा, मैंने देखा मैंने पहले गंदी हाथ में आई, उसके बाद हमने ये देखो रेड लाइट करी ताकि आग वाला उसको थोड़ा सा होता ना कि जानवरों को वो फील होता है, तो उसके बाद हमने आग वाग जलाई, ठीक है, उसके बाद दोबारा देखा तो दिख गया भाई ऊपर बैठा हुआ, घात लगा के बैठा हुआ, घात लगा के मेरी फट गई थी कसम भाई, चौथी बार मैंने बोला नहीं पर बहन जो चप्पल छोड़ के भागा मैं, इतनी गंदी वही पे बैठा हुआ हथियार आधे घंटे से लगा, ओए ओ दिख रहा है, ओए ओ दिख रहा है, ओए अबे भाई इतना गंदा सीन था ना उस टाइम पे भाई, लिटरली लौंडो अभी कैंप ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, ये सारी दरी की दरी रह गई, दरी की दरी रह गई भाई, तू कर दरी की दरी रह गई भाई, इतना बड़ा भाई जितनी ये बुलेट है ना लिटरली उतना बड़ा गुलदार होगा, और स्कूटी के सामने आता ना भाई, मैं बताऊं क्या करता भाई, शेर कैंपिंग तो कर रहे हैं पर अलग हो गई भाई कैंपिंग सारी, जब वो दिखा ना हमें अभी ऐसा सीन है, स्कूटी के बाहर निकल गई, स्कूटी के अभी ऐसा सीन है कि हम अंदर बैठ गए चुपचाप से, डोले सोले सब हमने बोला जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल हम अंदर बैठे हुए, हाँ इसके बाद नहीं है तो ब्लॉग तो जो होगा देखा जाएगा, हम अंदर बैठ गए शांति से, हमारे इसको बोलना भाई सत्यम भाई ब्लॉग में इतनी गाली मत दो, आपका चेहरा बहुत फेमस है, देखो सोनी की अंगूठी सगाई हो गई, बताएगा थोड़ी इससे तो ये भी जो बाहर था, तो भाई सीन बहुत कड़ा है, और अभी मैंने लाइट रेड करी हुई है, अब देखो जो होगा देखा जाएगा, अपना खा पी के सो जाएंगे मस्त करके, ठीक है बाकी सो जाएंगे घंटा सीन भी जैसा कि आपके जो व्लॉग होंगे वो बहुत ज्यादा बकचोदी वाले होंगे, और उसमें गाली गलोच बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि
अगला भाई बहुत गाली देता है, इसलिए मैंने व्लॉगिंग एक टाइप से मतलब छोड़ी भी थी कि टू टू करना पड़ता है, हट जा, हर बात में बीप लगाना पड़ता है, बहुत गंदी गंदी गाली देता है, बकचोदी करता है मतलब एक टाइप से। तो आपसे जो व्लॉग होंगे थोड़ा सा मतलब बिल्कुल रॉ आएंगे, उसमें गाली गलौज सब होगी, जिसको देखना देख लेना, जिसको नहीं देखना मत देखना। और भाई हम बिल्कुल आरुष सॉरी और आरुष और उसका क्या नाम है लैला के फैन है, तो भाई अब तो बहुत तगड़ा सीन भाई लैला, उनके व्लॉग सबसे बेस्ट है भाई। अरे एंड मारा तो तेरे भाई लैला जैसे डाल दो तुम बेंचो लैला के, जो आरुष बोला है रॉ कंटेंट है। सॉरी गाइस जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ था फैमिली कंटेंट पर्पस से, तो प्लीज अनसब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें लगता है कि हाँ गाली गलौज ज्यादा हो रही है। बाकी रॉ कंटेंट आएगा, बकचोदी आएगी, क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ ब्लॉग में। तो मैं कह रहा था हाँ, जिसको गाली वाला कंटेंट पसंद नहीं है तो प्लीज यार थोड़ा सा अनसब्सक्राइब वगैरह कर सकता, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर जिसको रॉ कंटेंट पसंद है तो देख लेना भाई, मजा आएगा तो सब्सक्राइब करना, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लाइक करके जाना, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, सुबह मिलते हैं मैगी बनाएंगे। हाँ यार सुबह मिलते हैं मैगी बनाएंगे, बना देंगे, बना ही देंगे, जिंदा रहेंगे तो बना ही देंगे। सीधा आग लगाएंगे इसमें, आएगा तो सीधा उसको जलाएंगे हम सीधा। ये बोतल भी तो दिखाओ, पेट्रोल वाली, पेट्रोल वाली, पेट्रोल वाली। हाँ ये देखो, हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी, ये पेट्रोल निकाल रखा कि आएगा बम डालेंगे कि जो भी होगा वो ही फूकेगा। ये तीन चार बार, तीन बार देख लिया भाई तगड़ा सीन, पहली बार जाते हुए देखा, दूसरी बार वो ऊपर घर लगा के बैठा हुआ था, तीसरी बार भी घर, वही ब्लॉग बनता है मेरा भी, तीसरी बार भी घर लगा के, तीसरी बार भी वो घर लगा के बैठा हुआ भाई बंदा, चौथी बार मैंने थोड़ा उसको दूसरी जगह में देखा, कैसा बेशरम है यार, शरम यार, इसको शरम यार, इसे मैं यार पैर पीछे कर दे, ये देखो, ये देखो, जान हलक में आ गई थी भाई हमारी, मेरी जान ना पूरी हलक में आ गई थी देख के गुलदार को देख के। आ थोड़ा पीछे रख यार, अपना कंटेंट बना रहा पूरा, मेरा भी बना दे, जान हलक में आ गई थी हमारी, अब खाना कोना सब सूख गया हमारा यहाँ। अभी बात हमारा लगा मेरे को बता देते कंटेंट, हम बात हमने चावल रखे थे, चावल बन गया हमारा, खीर बन गई है, ऐसे बोल जीत चल बेटा। हाय यार, मैं जो गाइस मां कर रही है पीछे से गोल्ड रहा है, सो रहा था और गोल्ड परार भैया था यार। अभी ना हम आए शांति से, गए व्लॉग भी नहीं बनाया, पानी खत्म हो गया था, पानी लेके आए गांव से, इतनी गंदी अंधेरी रात में 12 बजे रात के हो गए, 12:30 हो गए, पानी लेके आए, ठीक है, उसके बाद अपना पानी मैं रहूंगा इसमें। हां हां रात के 12:30 भाई पानी भर के आए, और अभी हम लेट चुके हैं, और हमने तीन बार गुलदार पहले देख चुका है, अभी सबकी फटी पड़ी है, लेकिन शांति से ये रेड लंग की लाइट जला के सो गए, ताकि थोड़ा सा उसको ऐसे लगे कि हाँ यार आग वाग जली हुई है, क्योंकि गाँव में ना जगह जगह पर आग लगी हुई है इस चक्कर में। और हमने ये बोतल में यहाँ पे पेट्रोल भी भर के रख लिया है, डंडी भी संभाल रही है उस साइड, ये मेरा हाथ भी देखो पेट्रोल तो सफेद और होगा अभी तक, हाथ में लगा दूंगा, हाथ लगा दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। देखो हैप्पी भाई इनको गरम गरम, मेरे की सुम्मत दिखा, इन्हें गरम लग रहा है कि बल टेंट खोल दो, बल खोल के सोएंगे, बल गर्मी तो हो रही है, फटी पड़े ना लिटरली भाई, इनकी मजे नहीं आ रही है, मेरी गर्मी से फटी है भाई। अरे सुन चिता ही कह दे, तो दोस्तों बात कुछ ऐसी, सत्यम भाई उठ चुके हैं, सभी उठ चुके हैं, और अभी लोग हमने यहाँ पे अपना सारा सामान वगैरह समेट लिया है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कचरा कुछ भी नहीं रखा हुआ है, और अभी जा रहा था पानी लेने के लिए, क्योंकि अभी सोच रहे हम कि मैगी बना लें, तो पानी ख़त्म हो चुका था, रात को मस्त नींद आ गई थी, थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन ये था कि हाँ सत्यम भाई ने बोला देख लेंगे, आग वाग थोड़ी सी हमने जला दी थी, लेकिन उसके बाद हमने बुझा दी थी, ताकि रात को जंगल में आग फैले ना। दोस्तों सीन क्यों जैसा है, अभी ये लोग आए हैं मार्केट से, और वहाँ से खबर आई है कि जो कल रात हमें गुलदार दिखा था, वो कह रहे कि एक बच्चे को ले गया पैदा रहा, हमारे साथ न्यूज़ में बने हुए हैप्पी रावत व्लॉग्स करके कुछ, तो ऐसी कुछ तो नाम है इनका चैनल का, तो क्या बताया गांव वालों ने आपको, बताओ पहले उन्होंने बोला रात चमक रहा है, बोला अब बता, उसी दुकान वाले जहाँ से हमने चाय पैक कराई वो बोल रहे थे कि रात को 3:30 बजे लेगा गुलदार, जो हमने देखा था ना यहाँ पे वो लेगा, तो हमने सबसे बड़ी गलती ये करी, चल ठीक है थैंक यू, हाँ हमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि हमने उसका वो नहीं बनाया वीडियो, वरना हमने टॉर्च चमका के पूरा देख लिया था उसको, सबसे पहले इस भाई ने देखा, ठीक है, फिर मैंने देखा, फिर हम शांत हो गए कि हाँ चल नहीं आएगा, हम बाहर बैठ गए, ठीक है, उसके बाद जब हम दोबारा गए सत्यम भाई ने देखा ऊपर बैठा हुआ वहाँ पे, हाँ तो सत्यम भाई ने देखा, उसके बाद सत्यम भाई की ऐसी फटी, सत्यम भाई ने कच्चा मुंह दिया भाई वहाँ पे, था देखो वहाँ पे, ठीक वहाँ पे बैठा हुआ था उस जगह पे, वहाँ पे था वहाँ पे
उसके अंदर था वो, उसके नवा निगम जी के पास फिलहाल अभी हमने चाहिए था चिकन ऑफर किया, उसने बोला नहीं तुम्हारा खाऊंगा। मैगी बना के अब चलते हैं घर की ओर और ये व्लॉग जैसा तैसा तोड़ जोड़ के बन गया है। पहला व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत टाइम बाद व्लॉग बनाया मैंने और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा जैसे तैसे बनाया जोड़ तोड़ के, क्योंकि इसमें गाली गलौज बहुत ज्यादा, क्योंकि आपसे जो कंटेंट रहेगा वो रॉ रहेगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाने लग जाऊंगा ना तो फिर बन नहीं पाएगा ठीक से व्लॉग। और हमारे साथ सत्यम भाई है उच्छेद आदमी, तो ये बहुत ज्यादा टूटा बीप लगाना पड़ता है ना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।